हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हम यूपीएल हम लोग जी हाँ दोस्तों, आज यूपीएल के बात करने वाले हैं। आज हम लोग देख सकते हैं कि यूपीएल में देखिए बहुत ज़्यादा डाउन साइड में हम लोग को देखने को मिला, और यहाँ पर यूपीएल देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे नीचे निगेटिव क्लोजिंग दिया और नीचे आने का संकेत दे रहा। तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपीएल में क्या नीचे का रेंज रह सकता है। जी हाँ, थोड़ा सा नीचे का रेंज रह सकता है, जो कि आप लोग को देख सकते हैं कि ये एक रेंज है 660 का। जी हाँ दोस्तों, तो 15 से 20 पॉइंट का और गिरावट आ सकता है यूपीएल में डेली टाइम फ्रेम पे। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट के आसपास दिख रहा है। तो हो सकता है 10 से 15 पॉइंट का ज़्यादा सही गिरावट आए, और 10 से 15 पॉइंट का गिरावट आए उसके बाद हम लोग यूपीएल में अपसाइड का मूवमेंट दे सकते हैं। अगर जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग देखें चाहेंगे इसको कि अगर मंथली टाइम फ्रेम पे इसका क्या हाल है, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे ठीक ठाक व्यू है तो हम लोग इसको नीचे से सपोर्ट पे से बाय कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये रेंज में फंसा हुआ है, मंथली चार्ट पे देख सकते हैं कि रेंज में फंसा हुआ है, और इसको देख सकते हैं नीचे में ये यहाँ पर सपोर्ट बन के आ रहा है, और ऊपर में यहाँ पर एक बाएँ थी रेजिस्टेंस बन के आ रहा था, इसी के रेंज में चल रहा है। जब तक मार्केट किसी रेंज को तोड़ता नहीं है, मार्केट नीचे चाहे ऊपर, आप लोग को अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा यूपीएल में। फिलहाल यूपीएल अभी रेंज में है, तो रेंज के बाहर जब निकलता है तो आप लोग को अपडेट मिलेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को रखे रहिए, जिससे आप लोग जैसे ही किसी भी तरह का स्टॉक का ब्रेकआउट वगैरह आता है तो हम लोग अपडेट करते रहते हैं स्टॉक्स वगैरह, हर एक स्टॉक को अपडेट करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल अपना टेलीग्राम चैनल द शेयर मार्केट, जो वहाँ पे आप लोग को ब्रेकआउट स्टॉक जो ब्रेकआउट स्टॉक वीकली चार्ट पे रहता है उसको हम लोग शेयर करते रहते हैं चार्ट के द्वारा। तो आप लोग वहाँ से व्यू ले सकते हैं, किस तरह का व्यू बना सकते हैं स्टॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक्स में। बाकी आप लोग टेलीग्राम जॉइन हुए वहाँ पर आप लोग को अपडेट मिलता ही रहेगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए, जिससे हम लोग हर एक स्टॉक का अपडेट आप लोग के सामने लाते रहते हैं। तो बहुत सारे स्टॉक का अपडेट लाते रहते हैं, तो चैनल में बने रहिए। और निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन भी आएगा, तो उसमें आप लोग भी व्यू देख सकते हैं किस तरह का रहेगा वीकली टाइम फ्रेम पर। फिलहाल यूपीएल में मंथली टाइम फ्रेम पर रेंज में चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा निगेटिव कैंडल बना है, तो थोड़ा सा डाउन साइड हो सकता है, लेकिन नीचे में सपोर्ट बनकर आएगा। जी हाँ, नीचे में सपोर्ट बन के आएगा इसका, ये पर देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट बन के आएगा। तो इस रेंज के आसपास 660-665 के आसपास में खरीदारी आ सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी एक सपोर्ट बन के आ रहा है इसका, तो एक सपोर्ट बन के आएगा। जी हाँ, एक सपोर्ट बन के आएगा। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा डाउन साइड है, लेकिन लॉन्ग टर्म के व्यू पे लिए मंथली व्यू पे तो इसका पॉजिटिव बनकर आएगा। देख सकते हैं कि फिलहाल के लिए यहाँ से आप लोग बाय भी बना सकते हैं, छोटा छोटा क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं नीचे के लेवल पे, अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। 2 साल के लिए भी फिलहाल भी रखेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि रेंज में। जी हाँ, रेंज में जब भी फटता है ना मार्केट, तो बहुत ज़्यादा अपसाइड या डाउन साइड देता है, तो ये बात याद रख के चलिएगा। यूपीएल में फिलहाल के लिए डाउन ट्रेंड में है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल से 3 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अगर ऊपर के लेवल में फंसे हुए तो थोड़ा सा वेट करिए, लेवल आएगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे का दिखा रहा है मार्केट, लेकिन आप लोग को ऊपर का लेवल मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यूपीएल बेहतरीन शेयर है फिलहाल के लिए, अभी निगेटिव टेरिटरी में कंसोलिडेशन में चल रहा है। देख सकते हैं कि नीचे से अच्छा खासा रैली देने के बाद हो सकता है कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद मार्केट थोड़ा सा रेंज को बाहर निकाले। तो जब भी रेंज निकालता है तो अच्छा खासा टारगेट वगैरह देकर जाएगा, जब कम से कम देख सकते हैं 200-250 का पॉइंट तो देकर जाएगा ही। तो इसलिए बने रहना है, और मैं सब्सक्राइब करके रखिए, और मिलते अगले वीडियो। तो बाय।